मूवी की स्टार्टिंग में हमको चार कॉलेज फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में वहाँ ड्रे नहीं होता है, जिस पर एलेक्स उसे ढूंढने जाती है और पीछे से सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं और उनकी तरफ एक तीर आता है जो आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझे भी नहीं थे और एक और तीर आता है जो सोफी की आँख बाहर निकाल देता है। ऑन द स्पॉट सोफी मर जाती है। उसे देख कर ब्रेंट वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर आ जाती है। तब थ्री फिंगर सोफी की आँख खा रहा होता है। उसे देखकर वो फौरन वहीं पर छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ लेकर के आ जाता है। वो थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा करके जंगल की ओर भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़ के मार देता है और ब्रेड भी उनके ट्रैप में फंस के उनका शिकार बन जाता है। उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफ़र करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर को दी गई थी। वो टोटल कैदी 5 थे। उनमें एक था जेवेस जो कि माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफ़र 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को उनको पता चलता है कि ट्रेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं और वो जेवेस को छुड़वा करके ले जाएंगे। और यही वजह उन्होंने एमरजेंसी ट्रांसफ़र को प्लान किया और साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया। और उनका नया रूट वो ख़तरनाक रूट था, यानी पेपर मिल वाला। वो सब कैदी को वहाँ बस में बैठा करके चल पड़ते हैं। रास्ते में वो सब एक पुलिस स्टेशन पे स्टॉप करते हैं और वहाँ पे उन्हें शरीफ काल और डेप्यूटी लेन मिलती है। और वहीं हमें 3 डोज भी दिखाया जाता है जो कि 3 फिंगर का नेफ्यू था। और ये वही है जो पिछले पार्ट में लास्ट सीन में छोटा बच्चा होता है जिसे 3 फिंगर फीड कर रहा होता है। और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है, लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। तब 3 फिंगर आकर के उसकी हेल्प करता है। फिर वो दोनों मिल करके उस सेटअप को तैयार करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब उस पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपने जर्नी पर निकल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर चलते वक्त एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है और वो 3 फिंगर होता है। और वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फंसा के उसका पहिया पंचर कर देता है, जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। 3 फिंगर ट्रक से उतर के उनको देखने जाता है। उस वक्त वो उन पर हमला नहीं करता है। पुलिस ऑफिसर नेल उन सब कैदियों को बाहर निकालता है। इसी मौके का फायदा उठा करके जेविस उनसे उसकी गन छीन लेता है और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर पीछे से आके उसकी गर्दन पे गन तान देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर सकता एक चाकू आकर के उसकी गर्दन में सीधा घुस जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। बाकी सब समझते हैं कि ये सब कुछ जेविस के आदमी कर रहे हैं। तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी तो नहीं कर सकते हैं। जेविस नेट से कहता है कि तुम सबके हाथों की हथकड़ियाँ खोल दो, जिस पर नेट जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर है। और बस को पूरी तरह आग लग चुकी होती है और वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वॉल्टर भी वह बस के अंदर ही होता है और जब वो चाबियाँ लेने बस में जाता है और वो बिल्कुल ठीक वक्त पर वॉल्टर को वहाँ से निकाल देता है। लेट जो चाबियाँ लेकर के आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जेविस उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है कि सिर्फ एक नेकी है जो उसे जंगल से बाहर निकाल सकता है। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेक पर अटैक कर देती है, और वो लड़की एलेक्स थी। और वो उन्हें बताती कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो कि उन्हें मारने के बाद लोगों को खा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है। हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी होती है, जिससे जेविस उनकी लोकेशन तक उनको ले जाने के लिए कहता है। उसका बात करने का अंदाज रिक्वेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं था और वो उन्हें वहीं ले जाती। और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई होती है, जो पीछे से लॉक थी। जेविस नेट को उसकी कैब चेक करने के लिए भेजता है। वहाँ पर उसे उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है और वो गन वो वॉल्टर को दे देता है। और जब वो वैन को चेक करते हैं तो वो वैन पैसों से भरी होती है। इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। जेविस उन्हें 2-2 बैग उठा के वहाँ से जाने के लिए कहता है और सब लोग 2 बैग उठा लेते हैं, लेकिन वेल्टर जख्मी था जो कि बैग उठा नहीं सकता था, जिस पर जेविस उसे ज़बरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है। और मौका देखकर वेल्टर जेविस को शूट करने लगता है और बदकिस्मती से उसके अंदर गोलियां नहीं होती है, और इस बात के लिए जेविस उसे माफ़ी नहीं देता और वो सीधा उसके सर में गोली मार देता है, जिस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। जेविस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वो ही उन सबको रास्ता बता रही थी। चलते हुए उसका पांव एक ट्रैप पर आ जाता है, लेकिन नेट जल्दी से उसे बचा लेता है और वो ट्रैप वही था जिसे 3 डोज ने सेटअप किया था और वो वहीं ही छुप कर बैठा हुआ था। तब फिर वो ही निकल करके बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जेविस उसे गोली मार के नीचे गिरा देता है।
एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, जिस पर जेविस को उस पर आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए वो क्ल्यू छोड़ के आगे बढ़ता है। और थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है जिसे थ्री डोज का सिर एक लकड़ी पर रखा मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है, यानी कि पहले से भी ज़्यादा वो अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए उनको एक चीज़ लटकी हुई मिलती है जिसे जेविस पकड़ लेता है, जिस पर बिली फौरन समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाई गई एक ट्रैप है और वो जेविस को आगे ढकेल कर उसे बचा लेता है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है, वो उसकी जान बचाने के बदले उसकी टांगे ही काट देता है, क्योंकि ऐसा करने से बिली उनकी चेन से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेविड लेन को मिसिंग हुए चार स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाती है और शरीफ के पास नेट की अभी कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वो काफ़ी फिक्रमंद होता है। वो समझते हैं कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है, और वो उन लोगों को ढूंढने जाता है और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ वो सब लोग एक पुराने कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ टूल उन्हें मिलते हैं, उसकी मदद से वो लोग अपनी जंजीरों को काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहां पर थ्री फिंगर का ट्रक होता है। हालांकि उन सबको पता होता है कि उनके लिए बिछाया गया ट्रैप होता है, लेकिन जेविस जबरदस्ती एक कैदी को आगे भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे रेजर वायर में फंसा के उसको वहां से ले जाता है। ट्रक को सड़क पर ले जा करके पूरी स्पीड से उस कैदी को घसीटता है, और वो इतनी शिद्दत से घसीटता है कि जब तक वो मर ना जाए। पीछे से मौका देखकर फ्लैट बॉय जेविस पर हमला कर देता है, और तब एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं। जेविस फ्लैट को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। एक और कैदी वो वहाँ पर वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। शरीफ उस बस पर पहुँच करके सारी इन्फॉर्मेशन आगे भेज देते हैं। शरीफ वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर के नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। ब्रैंडन जेविस को कहता है कि पैसों को यहीं छोड़कर उनको नेट को ढूंढना चाहिए। जेविस उसकी बात मान लेता है और पैसों को कुछ टाइम के लिए वहीं पर छोड़ देता है। आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जेविस उसको मारने वाला ही होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है, यहाँ पर हम किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है और फिर वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है। और जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं, वो सब देखते हैं कि वॉच टावर जल कर बुरी तरीके से राख हो चुका था और इसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहाँ पर कुछ ना मिलने पर जेविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शरीफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शरीफ खुद भी ठीक वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। तभी थ्री फिंगर रक्त पर बैठा हुआ एक भाला नीचे फेंकता है, जो सीधा शरीफ के मुंह में घुस जाता है और आर पार हो जाता है, और जिससे फौरन जेविस शरीफ की गन छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर ऑर्डर देता है, और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है। लेकिन फ्लड वहाँ से सारा पैसा लेकर के भाग रहा होता है, और तभी जेविस की उसको आवाज़ आ जाती है और वो फ्लैट की तरफ बढ़ता है। इससे पहले थ्री फिंगर उसके ऊपर मोलोटोव फेंक के उसको जला देता है और उसके साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है। इस वक्त जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है और वो एलेक्स को लेकर के यहाँ से चला जाता है। लेट उसे बचाने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है और अभी उसे शूट करने वाला ही होता है। ब्रैंडन उसे मार के बेहोश कर देता है। वो दोनों उसको वहीं पे छोड़ के अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर के अपने घर में जा करके बांध देता है, और वहीं पर हमें टर्बिटी लेन की बॉडी भी मिलती है। इससे पहले थ्री फिंगर उसे भी पकड़ के मार चुका होता है। ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है, और इतनी देर में जेविस वहां पर आके उसे मार के बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी थ्री फिंगर वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जेविस थ्री फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शकल ही बिगाड़ देता है। उसका फेस इतना बुरा बन जाता है कि वो पहचान में नहीं आता पहले से भी ज़्यादा। लास्ट में थ्री फिंगर ही जेविस पर भारी पड़ जाता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। नेट को शरीफ का डॉग मिल जाता है, जो कि उसे एलेक्स के पास लेकर के जाता है। वो एलेक्स को छुड़ा के वहाँ से निकलने लगते हैं। थ्री फिंगर वहाँ पर आके उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने वाला ही होता है। तभी एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री डोज का सिर रखा और वो थ्री फिंगर को पीछे से मारती है, उसके अंदर घुसा करके उसे मार देती है। वो दोनों उसका ट्रक लेकर के वहाँ से चल पड़ते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता है, और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाके दरख्त पर लगता है और ट्रक में आग लग जाती है। और इतनी ही देर में ब्रैंडन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से तो उनकी जान बख्शने वाला नहीं था,
और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है और इसी वक्त नेट उसी का टूल लेके उसी में घुसा देता है और वो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे वही ट्रक पर दे मारता है और फौरन ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है और कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहाँ पहुँच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में दोबारा वहाँ आता है लेकिन कोई उसको पीछे से मार देता है जो कि कोई और नहीं ब्रैंडन था। ब्रैंडन वो पैसे उठा लेता है लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहाँ पहुँच जाता है और उसे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो म्यूटेंट और कौन है। आज तक ये सवाल बनकर ही रहा। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।